Se, ye, ré. Es kya ye hai? Se tan estilo. Se tan estilo. Ye kalam hai. Ye kalam hai. Se tan estilo. Estilo es a estilo es a estilo que hay calam hai que hay ek calam hai. Es a estilo. Qu'est-ce que c'est? Kesk, itne ka pronunciation hua. Kesk, se. Kesk se. Ye, kya hai? Ye, kya hai? Kesk se, ye, kya hai? C'est une plume. Ye ek kalam hai. Ye ek kalam hai. C'est un livre. Est un banc. Est un banc qui a une bench. Oui. C'est un banc. Ah, il y a une bench. Oui. C'est un banc. Ha, ye ek bench hai.
Non. Ce n'est pas un pain. Non, ce n'est pas un pain. Non, ce n'est pas un bench. नहीं, ये एक बेंच नहीं है। अब देखिए, नहीं के लिए हमने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये जो हम लिखते हैं से, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ये है स और ए। स ए मानी ये है। जब ये दोनों वर्ड्स एक जब ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, तो इसका वॉवल एक ड्रॉप हो गया, हट गया, और इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लग गया। इसी वजह से जब हम एस लिखते हैं, यानी इसे उलटते हैं, तो यानी ए पहले आ गया और स बाद में, तो अब दोनों तरफ वॉवल नहीं है, इसलिए वो चीज़ खत्म हो गई। इसलिए अब ये पूरा पूरा वर्ड लिखा गया। यहाँ पर दोनों वॉवल थे, इसलिए एक वॉवल इसका हट गया, एपोस्ट्रफी लग गया। यहाँ जब इसे हमने उल्टा है, इसका क्रम हमने उल्टा किया है, पहले ए लगाया, फिर स लगाया, इसलिए अब ये दोनों वर्ड्स पूरे दोनों शब्द पूरे पूरे लिखे गए हैं एस। वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो वर्ड है, ये है ने और ये है पा। तो यहाँ भी वावल है, यहाँ भी वावल है, इसलिए इसका ई हट गया है और इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लग गया है, वरना ये एन और ई है। तो निगेटिव के लिए हमें दो शब्द इस्तेमाल करना पड़ते हैं, ने और पा, और वर्ब यहाँ बीच में आ जाता है। तो ये ने और पा, वर्ब यहाँ बीच में आ गया है। ठीक वही चीज़ यहाँ भी हुई है। ये शब्द है असल में Q U E, लेकिन यहाँ भी वॉवल और यहाँ भी वॉवल, इसलिए इसका एक वॉवल हट गया और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ गया है, वॉवल की जगह पर एक एपोस्ट्रॉफी आ गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। एस आबा वी सितामा, क्या ये एक बेंच है? वी सितामा, हाँ ये एक बेंच है। नो से ने पास आबा, अब यहाँ देखिए, नो से ने पास आबा। अब यहाँ कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, तो इसलिए इसका कॉन्सोनेंट इसके वावल के साथ प्रोनाउंस हो रहा है। तो पा पा जां जां बा। नो से ने पा जां बा, नहीं ये एक बेंच नहीं है। नो से ने पा जां बा, नहीं ये एक बेंच नहीं है। अब इसी तरह आप को जितने सारे शब्द बताए गए हैं, आप सभी के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। मसलन अब मैं लिखूंगा, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको उनके अर्थ बताने हैं। किस से? एस यून शेज, क्या ये कुर्सी है? नो से ने पास इन शेज, से तीन से हुईत, नहीं ये कुर्सी नहीं है, ये बैग है। बैग के लिए यून सर्वियत, यून सर्वियत, यून
Serviette. Serviette. Any bag. Serviette. Any bag. Une règle. Une règle. Ruler. Ruler é a patri pemana. É uma regra que é um ruler? Sim, é uma regra. Sim, é um ruler. É um livro que é um kitab? Não, ce n'est pas um livro. É um gomme. Não, é um kitab. É um eraser. É um gomme. Une gomme. Eraser et rubber, je sais quoi. Non, ce n'est pas un livre. C'est une gomme. Non, ce n'est pas un livre. C'est un eraser. Est-ce un crayon? Qu'est-ce que c'est un pencil? Non, ce n'est pas un crayon. Non, ce n'est pas un crayon. C'est une table. Non, ce n'est pas un pencil. É uma mesa. É uma table? Que é uma mesa? Não, ce n'est pas une table. C'est un cahier. Não, é uma mesa. É um notebook. C'est une règle. É um ruler. C'est un garçon. É um lalca. C'est une serviette. É um bag. C'est une gomme. É um eraser. C'est un stylo. Ye ek kalam hai. C'est un livre. Ye ek kitab hai. C'est un cahier. Ye ek notebook hai. C'est un homme. Ye ek aadmi hai. C'est une femme. Ye ek aurat hai. C'est une fille. Ye ek ladki hai. C'est un banc. Ye ek bench hai. C'est un crayon. Ye ek pencil hai. C'est une chaise. Ye ek kursi hai. C'est une table.